प्रोग्राम में जुड़ने के बाद मुझे मेरे सवाल के आंसर मिलने लगे कि ये स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, हमारा रोल क्या होता है, हमने क्या करना होता है। कई सारे इशू थे मेरे, साइड हीलिंग इशू वगैरह सब, वो हर्ट थे, वो धीरे धीरे रिलीज होने लगे। तो मेरे लाइफ में फाइनेंशियली और फैमिली में बहुत सारे चेंजेस होने लगे। तो मैरिज लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस होने लगे और अपॉर्चुनिटीज भी आने लगी। ये सब चेंजेस मेरे लाइफ में हो रहे और स्पिरिचुअल अवेकन के रास्ते पर एक चलने लगी हूँ। और जर्नी जिसको हम पेनफुल नज़र से देखते थे तो एक अलग विजन, नया नजरिया उससे पता चल रहा है। और हम गाइडेंस कैसे ले यूनिवर्स से, ये भी आपने टूल्स बता दिए। तो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम लगती ही नहीं है, बहुत अच्छा फील होता है मैम। जस्ट आपको देखती हूँ ना, मेरे सारे चक्रास वाइब्रेट होने लगते हैं। ये कितनी अच्छी फीलिंग्स है मैं बता नहीं सकती। और सर की एक चीज, मैंने एक क्वेश्चन किया था, सबसे पहले बहुत कंफ्यूजन चलता था दिमाग में ना, होच होच हमेशा लगता था कोई बात कर रहा है लेकिन क्लियरेंस नहीं होता। मैंने सर से एक बार पूछा, सर मैं सही रास्ते पे हूँ? ऑफकोर्स आप सही रास्ते पे हो। जस्ट वो कॉन्फिडेंस जब आया ना कि हाँ मैं सही रास्ते, यार मैं गलत नहीं हूँ, जो मेरे साथ हो रहा है ना, इसके पहले भी कुछ ना कुछ 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 होता रहता था। मैं सोचती थी मैं एबनॉर्मल हूँ यार, मेरे साथ ऐसा होता है, इतना अजीब अजीब सी चीजें होती थी। लेकिन जिस दिन मुझे क्लियरेंस हुआ कि मैं सही रास्ते पे हूँ, उसके बाद मैंने रुका नहीं, ना पीछे देखा, कुछ नहीं। इवन मेरे पास क्लास अटेंड करने के लिए पैसे तक नहीं थे। यार कुछ पैसे चाहिए, बहुत जरूरी है। कैसे हो गया मेरे पास पैसे मुझे नहीं पता। दिसंबर से ट्रिगर हो रहा था मेरे को, बट मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि जाऊं नहीं जाऊं, कि ऐसा होता है क्या। फिर मैंने सर को एक ही चीज पूछा, सर ये मुझे लगता है मैं शायद इस जर्नी में हूं। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं ना आपका आंसर नहीं बता पाऊंगा, बट ये बोल पाऊंगा मेरे पास कुछ चीजें हैं जो आपको हेल्प करेगा कि ये आप हो या नहीं हो, आपको क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उन्होंने पूछा तुम कुछ कर रहे हो क्या, मैंने बोला कि सर मैं सोच रहा हूँ रेकी सीख लेता हूँ। तो उन्होंने बोला यार रेकी नहीं, तुम जो करना कर लो, अगर तुमको तब भी आंसर्स नहीं मिलते तो मेरे पास आना। तो मैं भी क्वेश्चन पूछता था परम सर को, परम सर तो बोलते थे कि यार बिलीव करो, आगे बढ़ो, आंसर्स खुद ब खुद आ जाएंगे, एंड आंसर्स आ जाएंगे आपको। अचानक से तुम्हें लगने लगता है कि यार ये सब क्या हो रहा है, एंड आज की डेट में मुझे नॉनवेज खाए हुए बड़े दिन हो गए, ड्रिंक करे हुए बड़े दिन हो गए, एंड दिस वायरस हैज आल्सो कम। I have changed a lot. I am not saying कि मैंने completely 100% chicken छोड़ दिया, क्योंकि मैं ऐसा सोचना नहीं चाहती कि मेरे को chicken छोड़ना है। That's what I learned from Param ji कि अपने आप छूट जाएगा। तो I believe in that कि अपने आप छूट जाएगा, and वो अपने आप ही छूट गया। But this instance that happened in 2016 in my life, I was just shaken up. मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। So but when I joined your program, आई लर्न कि मेडिटेशन भी कोई चीज़ होती है, स्पिरिचुअलिटी भी एक्चुअली में कोई चीज़ होती है। इट्स नॉट जस्ट यूट्यूब में है, जो वो एक्चुअली जो स्टेप्स थे, छोटे 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 स्टेप्स जो हमने 4-5 महीने करे, आई फेल द डिफरेंस। द ओनली चेंज इन माई लाइफ दिस ईयर इज़ आई एडेड आप दोनों को। सो आई न्यू, और मैं ये रोज़ कर रही थी, बीच में मैं 50-60% भी कर पा रही थी, एंड कर रही थी, लेकिन मुझ में ये चेंज आया, एंड मेरे अंदर एक एक्सेप्टेंस आई जो कि जिससे मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, एंड मुझे कुछ ऐसी चीज़ों के आंसर्स मिले और ऐसी चीज़ें मेरे अंदर से खुल गई, जो रिपीटिशन भी थी मेरी लाइफ में वो रुक गई। तो मुझे धीरे धीरे यही समझ में आया कि ये चीज़ें सही हैं, मतलब